नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवैज। इस बुलेटिन में आज बात होगी आखिरी चरण के सियासी समीकरण की, चुनाव आयोग में उभरे मतभेद की, जानेंगे कि महागठबंधन ने कैसे बढ़ाई मोदी की मुश्किल, क्या तपस्या से फिर मिलेगा मोदी को पीएम का ताज, और आखिर में बात काले धन पर पीएम मोदी के सफेद झूठ की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप, कहा इंदिरा गांधी की तरह पीएसओ से मुझ पर जानलेवा हमला करवा सकती है बीजेपी। मोदी शाह को क्लीन चिट देने पर चुनाव आयोग के भीतर टकराव तेज, अशोक लवासा की नाराजगी दूर करने के लिए 21 मई को चुनाव आयोग ने बुलाई बैठक। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर तंज, कहा बिहार में इस बार आपका झूठ नहीं बिकेगा, जनता आपको सबक सिखाएगी। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, पत्र में की बीजेपी नेता मुकुल रॉय के बंगाल छोड़ने की मांग, कहा वो दिल्ली के हैं मतदाता। और रक्षा मंत्रालय ने खारिज की वाइस एडमिरल बिमल वर्मा की याचिका, वर्मा ने नए नौसेना अध्यक्ष की नियुक्ति पर उठाए थे सवाल, अब वाइस एडमिरल करमबीर सिंह ही होंगे नए नौसेना अध्यक्ष। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। अब कल सातवें पड़ाव में 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी को उम्मीद है कि इस बार उन्हीं को जनता का अपार प्यार मिलेगा, इसलिए सभी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। मगर क्या है सातवें चरण के रण का सियासी समीकरण, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रविवार का दिन 909 उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा है, क्योंकि कल सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए जनता कतारों में लगकर इनके भविष्य का फैसला करेगी। कल 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें बिहार की 8, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 8, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, चंडीगढ़ की 1, उत्तर प्रदेश की 13 और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। सातवें चरण का चुनाव दिग्गजों के लिए अग्नि परीक्षा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रवि किशन, मनोज सिन्हा, आरपीएन सिंह, सनी देओल, किरण खेर, सुखबीर सिंह बादल, रविशंकर प्रसाद, शत्रुघ्न सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा, चंद्र कुमार बोस, शिबू सोरेन, अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में है, जिन्होंने ताकत तो पूरी झोंक दी, मगर जनता किसे सिर आंखों पर बिठाती है ये 23 मई को ही पता चलेगा। लेकिन ये चुनाव खासकर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पार्टी ने 2014 में इन 59 सीटों में से 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी की सहयोगी अकाली दल के पास 4, जेडीयू के पास 1 सीट थी, जबकि टीएमसी को 9, कांग्रेस को 3, आप को 4, झामुमो को 2 सीटें मिली थी। इन राज्यों के समीकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस और सपा बसपा गठबंधन के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है। 2014 में बीजेपी ने यहां 71 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब की बार यहां बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है। प्रदेश की जिन 13 सीटों पर चुनाव है वो सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। सातवें चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों में से बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। 15 साल बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, इसलिए इस बार बीजेपी के सामने चुनौती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 2 सीटें हासिल की थी और सहयोगी अकाली दल को 4 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 3 और आप को 4 सीटें मिली थी, मगर इस बार कांग्रेस मजबूती से टक्कर दे रही है। 2014 में केंद्र शासित प्रदेश की इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था, मगर इस बार मुकाबला कड़ा है, कांग्रेस यहां बीजेपी को बड़ी चुनौती दे रही है। पश्चिम बंगाल में लड़ाई काफी बड़ी है। इस चरण में टीएमसी ने भले ही सभी 9 सीटों पर जीत हासिल की हो, मगर सातवें चरण से पहले बंगाल में जो बवाल मचा उसका चुनाव पर असर देखने को मिल सकता है। यहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला है, कुल सीटों पर लेफ्ट भी कड़ी टक्कर दे रहा है। सातवें चरण में हिमाचल की सभी 4 सीटों पर मतदान है, जहां 2014 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, इस बार भी यहां बीजेपी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। झारखंड में भी सत्ताधारी बीजेपी को महागठबंधन से तगड़ी चुनौती मिल रही है, जहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत 4 दल एक साथ हैं। बिहार में इस बार 8 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, मगर इस बार महागठबंधन बीजेपी जेडीयू को कड़ा मुकाबला दे रहा है। सातवें चरण में मुश्किल बड़ी है, बीजेपी के सामने अपनी सीटों को बचाने की चुनौती है, तो विपक्ष के पास खोने को कम और पाने के लिए बहुत कुछ है, खास तौर पर कांग्रेस के लिए। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनावों में कौन बचाता है और कौन मौका पाता है।
लोकसभा चुनाव खत्म होने की कगार पर है। कल 17वीं लोकसभा के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस चुनाव में जहां नेताओं के बीच जमकर तीखे तीर चले, तो वहीं चुनाव कराने वाले चुनाव आयोग में ही मतभेद देखने को मिले। जी हां, आयोग के कई फैसलों पर असहमति जताने वाले चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र लिखा है और मांग पूरी न होने पर आयोग की कई बैठकों से दूर रहने का निर्णय लिया है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के नाम से आप वाकिफ होंगे। इनका नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को क्लीन चिट देने पर अपनी असहमति जताई थी। उसी वक्त ही ये बात भी सामने आने लगी थी कि मोदी और शाह की क्लीन चिट को लेकर चुनाव आयोग में दो फाड़ है, मगर अब इस बात पर लवासा ने खुद ही मुहर लगा दी है। दरअसल अशोक लवासा ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र लिखकर मांग की है कि आयोग के फैसलों में आयुक्तों के बीच मतभेद को भी आधिकारिक रिकॉर्ड पर शामिल किया जाए। ऐसा नहीं किए जाने पर उन्होंने इसी महीने के पहले सप्ताह से आदर्श आचार संहिता से संबंधित सभी बैठकों से खुद को दूर रख लिया है। लवासा ने अपने पत्र में जोर देकर कहा कि वे बैठकों में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक उनके निर्णयों को आयोग के निर्णयों में शामिल नहीं किया जाता। सूत्रों के मुताबिक लवासा प्रधानमंत्री के 4 भाषणों और अमित शाह के 1 भाषण को क्लीन चिट दिए जाने और विरोधी दलों के नेताओं को नोटिस थमाए जाने के खिलाफ नहीं है। 2-1 के बहुमत वाले पूर्ण आयोग ने ही पीएम के भाषणों में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं पाया था, जिसे लेकर अब लवासा ने आवाज बुलंद की है। वहीं इस बीच अब मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं और तीनों एक दूसरे के क्लोन नहीं हो सकते। मैं किसी भी तरह की बहस से नहीं भागता, हर चीज का वक्त होता है। चुनाव आयोग में घमासान मचा है। अब देखना होगा कि किस मई को ये विवाद शांत होता है या नहीं। वैसे अभी तो नजरें लोकसभा में महागठबंधन की कवायद पर टिकी हैं, जिसके लिए लगातार जद्दोजहद की जा रही है। कांग्रेस से लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू गैर बीजेपी दलों को साथ लाकर महागठबंधन को नया रूप देने की जुगत में लगे हैं। महागठबंधन की कवायद भले ही कांग्रेस की तरफ से शुरू हुई हो, लेकिन इस कोशिश को राजनीतिक जमीन पर उभारने का काम आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की ये तस्वीरें कर रही हैं। दक्षिण से लेकर उत्तर और पश्चिम तक नेताओं के साथ मंथन महागठबंधन की उस कोशिश को मजबूती है जो मोदी के विजय रथ में सबसे बड़ा रोड़ा साबित होगी। सत्ता के शिखर पर एक बार फिर सहयोगियों के साथ से एक सरकार को खड़ा करेगी। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू दक्षिण की राजनीति में नया दम भरने के लिए आज राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मंथन किया। इसके बाद से मुलाकात का सिलसिला बढ़ता ही चला गया और नायडू ने महागठबंधन को अमलीजामा पहनाने में जुटी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के घर का दरवाजा भी खटखटाया। उन्होंने राहुल गांधी से भी लंबी बातचीत की। हालांकि वो विपक्षियों को साथ लाने की जद्दोजहद में लगी सोनिया के साथ भी सहयोगियों को लेकर बात करना चाहते थे, लेकिन वो मुमकिन ना हो सका। मगर नायडू राहुल से मिलने के तुरंत बाद पश्चिम राज्य महाराष्ट्र में धाक रखने वाले शरद पवार से मिलने पहुंच गए। उनसे करीब 45 मिनट चर्चा में चुनाव बाद संभावित समीकरणों पर चर्चा की गई। इन सभी मुलाकातों में सबसे ज्यादा मंथन जिन नेताओं के साथ किया गया वो थे उत्तर प्रदेश की सियासत का रंग बदलने वाले अखिलेश और मायावती। सभी गैर बीजेपी दल इस बात से वाकिफ हैं कि महागठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियां सपा और बसपा की क्या अहमियत है। इनके बिना गठबंधन की कड़ियां मजबूत होना नामुमकिन है। इसीलिए जहां एक तरफ नायडू अखिलेश और माया को मनाने में जुटे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी साथ के संकेत दे चुकी है। यानी सहयोगियों के साथ के लिए कोशिश पूरी है, लेकिन क्या ये रंग लाती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। विपक्षी खेमा सहयोगियों के साथ से पीएम को चुनौती देने की रणनीति तैयार कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भक्ति की शक्ति दिखाकर अपनी नैया पार लगाने में जुटे हैं। जी हां, 2019 के रण में रैलियों में पसीना बहाने के बाद अब पीएम मोदी नतीजों से पहले आखिरी आस लेकर भगवान के द्वार पहुंचे हैं। वो शिव की भक्ति कर चुनावी शक्ति लेने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब पीएम मोदी को है एक ही आस, बाबा करेंगे बेड़ा पार। माथे पर शिखर, चेहरे पर थकान, परेशानी के साथ तेज दिल की धड़कन, हर दांव जला, हर पैतरा आजमाया, जो जो कर सकते थे सब करके दिखाया, कुर्सी के लिए साम दाम दंड भेद भी लगाया, जनता को फिर अपना बनाने के लिए पूरा जोर लगाया। लेकिन अब जोर जुबान का नहीं चलेगा, अब सियासी होड़ में केवल भगवान का ही सहारा लगेगा। इसलिए दिल्ली छोड़ अब पीएम मोदी केदारनाथ के द्वार है। भक्ति की शक्ति से सत्ता पाने को बेकरार पीएम ने बाबा से लगाई बेड़ा पार करने की आस है। चुनाव प्रचार खत्म होने के अगले ही दिन पीएम मोदी आज केदारनाथ पहुंचे।
सलेटी रंग के पहाड़ी परिधान, पहाड़ी टोपी पहने और कमर में केसरिया गमछा बांधे पीएम मोदी ने भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद रुद्राभिषेक किया। करीब आधे घंटे चली इस पूजा के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर की परिक्रमा की और हाथ हिलाकर श्रद्धालुओं को अभिवादन किया। केदारनाथ मंदिर दर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने यहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2017 में कपाट खुलने के मौके पर पीएम मोदी ने प्रथम भक्त के तौर पर बाबा केदार के दर्शन कर रुद्राभिषेक किया था। उसके बाद से अब वो चौथी बार केदारनाथ आए हैं। 23 मई को आने वाले नतीजों से पहले पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम है, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री चुनावी रण में ताकत झोंकने के लिए अब भगवान से अपनी पार्टी की जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। अब वो केदारनाथ के दर्शन के बाद कल बद्रीनाथ के भी दर्शन करेंगे, तो देखना होगा कि शिव की शरण में जाने से क्या पीएम को सत्ता वापस मिलती है या नहीं। पीएम मोदी शिव की शरण में हैं, अब देखना होगा कि क्या तपस्या से फिर से उन्हें पीएम का ताज मिलता है या नहीं। लेकिन अभी तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी प्रेम पॉलिटिक्स से उन पर प्रहार करने में लगी हैं। प्रचार थमने के बाद अब एक बार फिर प्रियंका ने बुध के बहाने पीएम मोदी पर इशारों इशारों में हमला बोला है और उन्हें प्यार का संदेश दिया है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के अलग अलग रंग देखने को मिले। शुरुआत में वो पीएम मोदी पर आक्रामक दिखे। रफाल में भ्रष्टाचार को लेकर राहुल गांधी ने जहां चौकीदार को चोर बना दिया, तो वहीं महंगाई, किसानों की समस्या, नोटबंदी, जीएसटी को लेकर प्रियंका गांधी भी आक्रामक नजर आई। मगर चुनाव का अंतिम पड़ाव आते आते राहुल और प्रियंका ने अपनी रणनीति बदली और नारा लगाया, वो नफरत करेंगे हम प्यार देंगे, वो धक्का मारेंगे हम गले मिलेंगे। दिल्ली के दंगल के दिन भी प्रियंका और राहुल गांधी ने यही बात दोहराई थी कि इस बार का चुनाव नफरत से नहीं बल्कि प्यार से जीता जाएगा और हमें यकीन है कि इस बार जीत प्यार की होगी। वहीं अब जब चुनाव में प्रचार का शोर थम गया है, कल सातवें और आखिरी चरण का मतदान होगा, तो उससे एक दिन पहले भी प्रियंका की प्रेम पॉलिटिक्स जारी है, जिसमें उन्होंने इशारों इशारों में पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बुध ने कहा है कि प्यार से खत्म होती है नफरत, यही अटल नियम है। यहाँ प्रियंका भले ही बुध के उपदेश की बात कर रही हूँ, मगर यहाँ प्यार और नफरत का जिक्र करना प्रियंका गांधी की प्रेम पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रहा है। प्रियंका का पीएम मोदी को ये संदेश है कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि प्यार से दिया जाता है। चुनाव के आखिरी दौर में कांग्रेस ने प्रेम पॉलिटिक्स की ऐसी रणनीति बदली कि हर कोई दंग रह गया। वैसे दंग तो इस वक्त दिल्ली वाले भी हैं, क्योंकि पार्टी की जीत का दावा करने वाले सीएम केजरीवाल ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद उन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए आरोपों की बौछार की है। दिल्ली के दिल में क्या है, राजधानी के लोगों ने किसे चुना है, इसका जवाब 23 मई को सबके सामने होगा। मगर उससे पहले ही सूबे के सीएम अरविंद केजरीवाल को हार का डर सताने लगा है। तभी तो केजरीवाल अब हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे हैं। नतीजों से पहले उन्होंने बयान दिया है कि आखिरी समय में मुस्लिम वोट कांग्रेस को शिफ्ट कर गया, जिससे अब शायद वैसे नतीजे हमें ना मिले जिसका अनुमान था। दरअसल केजरीवाल एक अखबार से बात कर रहे थे। इस दौरान जब उनसे दिल्ली की सातों सीटों के नतीजों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। केजरीवाल ने दावा किया कि चुनाव के 48 घंटे पहले तक ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के सातों सीटों पर जीत मिलेगी, मगर मतदान से एक रात पहले पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। हम पता लगा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, पूरा का पूरा मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस को शिफ्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शीला दीक्षित ने हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल कुछ भी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है, वो जिसे चाहे उसे वोट देते हैं। दिल्ली के लोग केजरीवाल के शासन मॉडल को ना तो समझते हैं और ना ही पसंद करते हैं। अब ऐसे में वो कुछ भी कहें समझ से परे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की कुल आबादी में 12.68% मुस्लिम आबादी है। केजरीवाल को उम्मीद थी कि ये वोट एकमुश्त आपको मिलेगा, लेकिन अब उन्हें मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा है। अब केजरीवाल का ये डर कितना सही साबित होता है, ये 23 मई को सबके सामने होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे काले धन पर पीएम मोदी के सफेद झूठ की। देश में कितने लोगों ने विदेश में काले धन को सफेद बनाया, इस सवाल का जवाब स्विट्जरलैंड की सरकार ने भले ही मोदी सरकार को दे दिया हो, लेकिन मोदी सरकार इसका जवाब देने को तैयार नहीं। पिछले 5 सालों से सरकार काले धन पर मौन बनी हुई है। अब कार्यकाल खत्म होने के बाद भी सरकार लोगों को झूठ के जाल में उलझा रही है। तो क्या है काले धन पर मोदी सरकार का सफेद झूठ, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
काले धन को लेकर मोदी सरकार ने ऐसा सफेद झूठ बोला कि जनता ने उस पर भरोसा कर उन्हें सत्ता की चाबी सौंप दी। लेकिन अब 5 साल पूरे होने के बाद जो सच सामने आया है वो न सिर्फ जनता के विश्वास को तोड़ता है बल्कि मोदी सरकार की पोल भी खोलता है। जी हाँ, काला धन लाने का वादा कर सत्ता में आए पीएम मोदी ना तो काले को सफेद करने वालों पर सख्ती दिखा सके, ना ही अपनी नाकामी को जनता को बता सके। जब जब काले धन पर पीठ थपथपाने वाली सरकार से इसके बारे में जानकारी मांगी, तब तब गोपनीयता का हवाला देकर जवाब को गोलमोल घुमा दिया गया। इस बार भी जब सरकार से पूछा गया कि आपने 5 साल में कितना काला धन खत्म किया, कितने लोगों की नीयत में खोट को उजागर किया, तो इसके जवाब में भी रटा रटाया बयान आया। दरअसल मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई काले धन पर कार्रवाई को लेकर एक आरटीआई दाखिल की गई थी। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने स्विट्जरलैंड के काले धन को लेकर प्राप्त जानकारी को साझा करने से इनकार कर दिया। वित्त मंत्रालय ने गोपनीयता का हवाला देते हुए कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड काले धन पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और इसके मुताबिक जांच चल रही है, ये प्रक्रिया अभी जारी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि स्विट्जरलैंड से काले धन पर प्राप्त सूचनाएं गोपनीयता के दायरे में आती हैं। देश के अंदर और बाहर कितना काला धन है इसको लेकर अनुमान नहीं उपलब्ध है। सरकार के जवाब से साफ है कि वो जनता को इस भ्रष्टाचार के बारे में बेखबर ही रखेगी, ना कोई जानकारी देगी, ना आंकड़ों से पर्दा उठाएगी। सरकार के इस रुख के बाद सवाल उठता है कि क्या वाकई इस चुप्पी के पीछे गोपनीयता है या नाकामी को छिपाने की गोलबंदी। खैर, जवाब तो सरकार की तरफ से आएगा नहीं, लेकिन ये जरूर साबित हो गया है कि 100 दिन में काला धन वापस लाने का वादा हवा हवाई हो गया। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।